यीशु मसीह में प्यारे भाई और बहनों, आज हम लूकस के सुसमाचार दूसरे अध्याय के 1 से लेकर 5 तक के ईश वचन पर मनन करेंगे। दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ईसा मसीह पर विश्वास नहीं करते, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये कहते हैं कि ईसा मसीह नामक व्यक्ति दुनिया में हुआ ही नहीं, ईसा मसीह एक कल्पित कथा है। संत पौलुस और कुछ लोगों ने मनगढ़ंत कहानियां बनाते हुए ईसा मसीह नामक एक व्यक्ति की सृष्टि की है, एक झूठा इतिहास बनाया है। ऐसा सोचने वालों को एक बहुत ही अच्छा जवाब देते हुए संत लूकस ईसा मसीह के जन्म के विषय में बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पर बयां कर रहे हैं। सबसे पहले तो ये कह रहे हैं कि रोमा साम्राज्य के इतिहास में जूलियस सीजर के बाद अगस्तस सीजर या कैसर सम्राट बने थे, और 27 BC से लेकर 14 AD तक, अर्थात ईसा मसीह के जन्म के 27 साल पहले से लेकर ईसा मसीह के जन्म के 14 साल के बाद तक वे रोमा साम्राज्य के चक्रवर्ती थे। और लूकस ये भी कहते हैं कि उस समय क्विरिनियस सीरिया का राज्यपाल था। इतिहास की गवाही देते हुए लूकस सभी लोगों को यह याद दिलाना चाहते हैं कि यदि तुम रोम के इतिहास पर विश्वास करते हो तो तुम्हें ये मानना ही पड़ेगा कि ईसा मसीह एक ऐतिहासिक पुरुष हैं और मनुष्य के इतिहास में रोमन साम्राज्य के स्वर्णिम काल में ईसा मसीह का जन्म हुआ था। और कैसर अगस्तस ने उस समय समस्त जगत की जनगणना की राजाज्ञा निकाली, ऐसा हम पढ़ते हैं। समस्त जगत अर्थात पूरी दुनिया नहीं, इसका अर्थ यही है जहाँ जहाँ तक रोमन साम्राज्य फैला था उन सभी प्रदेश के लोगों का एक सेंसस लिया जा रहा है, जनगणना ली जा रही है, ताकि इस बात का पता किया जा सके कि कौन लोग रोमन साम्राज्य के अंदर रहते हैं और उनसे वे कर टैक्स वसूली करना चाहते थे। इसलिए जनगणना के लिए लोगों को अपने अपने घर जाना पड़ता था जहां पर वे पैदा हुए थे, ताकि वे अपने नाम को लिखा सकें। जोसेफ दाऊद के घराने और वंश का था, इसलिए उसे अबनासरस से लेकर दाऊद के ही नगर बैतलहम जाना पड़ा, क्योंकि वह बैतलहम वाला था। और गर्भवती मरियम भी अपने पति के साथ जनगणना में अपना नाम दर्ज करवाने के लिए जोसेफ के ही साथ दाऊद के नगर बैतलहम जाती है। दुनिया की नज़र में तो चक्रवर्ती के कहने के मुताबिक इन्हें वहाँ पर जाना पड़ रहा है, लेकिन जब इसे ईश्वर की दृष्टि से देखा जाए तो इसकी भविष्यवाणी बहुत ही पहले की जा चुकी थी कि इसराइल का राजा दाऊद के वंश में पैदा होने वाला मसीहा बैतलहम में पैदा होगा, दाऊद का पुत्र दाऊद के ही नगर बैतलहम में पैदा होगा। नबी मीका के ग्रंथ के 5वें अध्याय के पहले ही वाक्य में हम पढ़ते हैं, बैतलहम एफ्राता तू यूदा के वंशों में छोटा है, जो इसराइल का शासन करेगा वह मेरे लिए तुझ में उत्पन्न होगा। यूदा के वंशों में सबसे छोटी जगह थी बैतलहम, लेकिन प्रभु ने उस छोटी जगह बैतलहम को चुना था अपने पुत्र के जन्म लेने के लिए। तो इस भविष्यवाणी का पूरा होना ही था, इसलिए जोसेफ और मेरी नासरत से बैतलहम के लिए रवाना होते हैं। दुनिया के शासक के कहने के अनुसार नहीं, ईश्वर की इच्छा के अनुसार, क्योंकि इस दुनिया को चलाने वाला ईश्वर है। दुनिया के शासक अनजाने में ऐसा फैसला कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में पूरी दुनिया को चलाने वाला सिर्फ और सिर्फ ईश्वर, हमारा प्रभु ईश्वर है। वो चाहे किसी का भी उपयोग कर सकते हैं,
जनगणना की घोषणा होने के पहले मरियम भी शायद अचंभे में थी। वो पूर्ण गर्भवती है, 9 महीने हो चुके हैं उसके पेट में बच्चे को, और वो सोच रही होगी कि हम तो नासरत में रहते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है कि मसीहा नासरत में पैदा हो। पुराने नियम में तो यही लिखा हुआ है कि मसीहा बेतलहम में पैदा होगा। और तब जनगणना का ऐलान होता है और मरियम बहुत ही खुश हुई होगी, क्योंकि वह समझती है कि ये तो ईश्वर की मर्जी है, ईश्वर की पद्धति है। वह खुशी खुशी जोसेफ के साथ बेतलहम के लिए रवाना होती है। बेतलहम का अर्थ है बेत या अर्थात भवन, लहम अर्थात रोटी, रोटी का भवन। बेतलहम अर्थात रोटी के भवन में जीवन की रोटी यीशु मसीह का जन्म होने वाला है। इस हफ्ते हम हमारे प्रभु यीशु मसीह के जन्म का उत्सव मना रहे हैं। ये सिर्फ 5 दिन हैं हमारे पास, हम अच्छी तरीके से तैयारी करें और आज के सुसमाचार के संदेश को अपने दिल में स्वीकार करें। पहली बात तो ये कि जो कुछ भी हो जाए दुनिया में, हमारे ईश्वर पूरी दुनिया का संचालन करते हैं। वह सब कुछ अपनी इच्छा के अनुसार करते हैं, और उस दुनिया में दूसरे शासकों के द्वारा भी वह अपनी शक्ति को प्रदर्शित करते हैं। और दूसरी बात, यूदा के वंशों में सबसे छोटा था बेतलहम, लेकिन उस छोटी जगह को ईश्वर ने अपने पुत्र के जन्म के लिए चुना। प्रभु की नज़र में कोई भी जगह छोटी नहीं है, कोई भी व्यक्ति छोटा नहीं है, हर सबको प्रभु अहमियत देते हैं, हर व्यक्ति को प्रभु अपने दिल के करीब रखते हैं। तो हम भी ऐसे प्रभु के नाम की स्तुति करें जो हमारे दिल को देखते हैं, हमारी जगह को देखते हैं और हमें एक अच्छा स्थान प्रदान करते हैं। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस के 2 पत्र के 3 अध्याय के 5वें वाक्य में हम ये पढ़ते हैं कि हमारी कोई अपनी योग्यता नहीं है, हम अपने को किसी बात का श्रेय नहीं दे सकते, हमारी योग्यता का स्रोत ईश्वर है, उसने हमें एक नए विधान के सेवक होने के योग्य बनाया है। हमारी अच्छाई या हमारी मेहनत या हमारी शक्ति से कुछ नहीं होता, हमारी हर योग्यता के पीछे ईश्वर की कृपा है। इस बात को हम हमेशा माने और हर दिन ईश्वर को धन्यवाद देते हुए अपने दिल को ईसा मसीह को स्वीकार करने के लिए तैयार करें। ईश्वर आपको अनुग्रहित करें।